प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश जो होने की वजह से वादियां जो हैं और खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर शुरू होने के साथ ही सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी 12 जिलों के डीसी को बरसात को लेकर अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने सरकार के इंतजामों की जानकारी देते हुए बताया कि मैन एंड मशीनों के साथ मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है और इसके लिए खास तैयारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और वहीं पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो बरसात का जो दौर है वो लगातार जारी है। वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर काफी डाउन हुआ है, जिसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके हैं हर स्थान पर जो एक खूबसूरत वादियां हैं वो दिखाई देने जो है वो शुरू हो गई हैं। वहीं बात करें पर्यटकों की आवाजाही, तो लगातार पर्यटकों की आवाजाही भी जारी है और खूबसूरत जो है वो पहाड़ और ज्यादा हो जाते हैं। बरसात के समय की अगर बात करें तो समय एक खूबसूरती जहां एक तरफ दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ सबसे संवेदनशील समय जो है वो पहाड़ी राज्य के लिए रहता है। इस समय जो है वो लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आते हैं और वहीं लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान जो है वो झेलने को मिलता है। संपत्ति के साथ की अगर बात करें तो जानमाल के नुकसान की भी काफी ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पूरे राज्य के 12 जिलों में अलर्ट जो है बरसात को लेकर जारी कर दिया गया है कि समय समय पर जो भी देखरेख है अपने जिले की और अपने क्षेत्र की जाए। इसी के साथ अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक नई पहल भी जो है वो शुरू की गई है। पहले चरण में अगर बात करें अर्ली वार्निंग अलर्ट जो है वो उसके डिवाइसेस 50 शुरुआत में लगाए गए हैं, जिसके बाद बाकी स्थानों पर भी लगाए जाएंगे। शुरुआत में ये जो संवेदनशील पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए लगाए गए हैं। इससे ये सबसे बड़ा फायदा जो है वो होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां जहां पर भी इस तरह की कोई भी गतिविधि होगी तो पहले ही अलर्ट आ जाएगा। आपदा होने से हम जो भी नुकसान है उसको बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।